से हम शुरू करने लगे हैं बजट कंस्ट्रेंट के बारे में। तो बेसिकली बजट कंस्ट्रेंट होता क्या है? ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली दी सेट ऑफ डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स which gave the same cost or income, इसको एम से रिलेट करते हैं। यानी कि पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इज इक्वल या तो लेस देन या इक्वल टू एम हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी इनकम अर्न करते हैं वो या तो हम उसे कम लगाते हैं और कुछ सेव कर लेते हैं या हम पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। यही होता है, इससे ज़्यादा इनकम हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम होती ही नहीं है। ठीक है, दीज आर दी ओनली टू पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है। ठीक है, अभी कंज्यूमर का बंडल यानी कि कंज्यूमर्स का कंजम्पशन बंडल ही क्या होता है? ये बजट लाइन में यहाँ ड्रॉ करने लगी। एक्स टू इज़ ऑन वाई एक्सिस, एक्स वन इज़ ऑन एक्स एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपनी तरफ से स्केल यूज नहीं किया मैंने, आप एक स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, तो ये हम एम को यहाँ छोटा लेके चल रहे थे। एम प्राइस ऑफ वन एंड एम प्राइस ऑफ टू, ये मैं आपको भी करवा देती हूँ एक बार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर ये कंजम्पशन बंडल, ये कंजम्पशन बंडल और ये कंजम्पशन बंडल। ठीक, यानी कि हम इसके पूरे ग्राफ में एक्स वन और एक्स टू के डिफरेंट बंडल्स देख रहे हैं। ठीक है, बंडल्स क्या होता है ग्राफ अगर तुमको पढ़ना आता हो तो एक्स वन एक्स टू इसी तरीके से बंडल्स देखा जाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और यहाँ पे एट इस एम पी वन, यहाँ पे x तो आपके पास एक्स वन तो है मगर x2 क्या है? ज़ीरो। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है, 3 है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 5 है। मैं ज़ूम कर रही हूँ अपनी तरफ से, वैसे तो कांस्टेंट रिटर्न से है, नहीं कभी कुछ स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल इस तरीके से मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे कंजम्पशन का बंडल क्या हो जाएगा? x1 का पहले हम लिखेंगे जो x एक्सिस पे होता है 5 और फिर y वाला 1। ठीक है, अभी कंजम्पशन बंडल क्या कह रहा होगा कि एट दिस एम इनकम दिस कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स ऑफ एक्स वन एंड 1 यूनिट ऑफ एक्स टू। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सिर्फ दो गुड्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्स वन और एक्स टू। ठीक है, इन रियल लाइफ तो हम सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहे होते, हम बहुत सारे गुड्स कर रहे होते, मगर उन सारों को अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे इस वजह से हम लोग टू गुड्स वाली अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल मैं इसको जो है आपको वो लिख के दिखा दूँ जो कि इस्तेमाल हम ये अज्यूम करेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी पूरी की पूरी इनकम जो है वो कंज्यूम कर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक्स टू के लिए सॉल्व कर लूँ, वाई एक्सिस पे है ना, और हम अपने देख देख क्या जर्नल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की उसमें हम क्या देखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए वाई इंटरसेप्ट होता है और बी जो होता है वो स्लोप होता है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो वाई वाई एक्सिस पे होता है, एक्स जो है एक्स एक्सिस पे होता है। तो हम क्या करेंगे, जब इस इक्वेशन को बजट लाइन की इक्वेशन को एक्स टू के लिए सॉल्व करेंगे तो वो सेम इसी रंग में ढल जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से ढल जाएगी। हमें ये वाई इंटरसेप्ट और इस बजट लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर रही हूँ ताकि ये अच्छा। अब इसको एक्स टू के लिए सॉल्व करने के लिए ये पी एक्स पी टू एक्स टू यहाँ रहने दूंगी और ये पी वन एक्स वन दूसरी साइड यूज कर दूंगी। ठीक,
ठीक है, यहाँ प्लस से यहाँ जाके माइनस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पी टू एक्स टू है, ठीक है, तो एक्स टू को यहाँ रहने देंगे, पी टू से मैं डिवाइड कर दूँगी। अब एम के नीचे भी पी टू आएगा, माइनस पी वन के नीचे भी पी टू आएगा एक्स वन। अब इस जनरल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, मगर यहाँ पे तो हमारे पास माइनस आ रहा है, तो यानी कि ये तो हो गया आपके पास आपका वाई इंटरसेप्ट, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है आपके पास, ये एम ओवर पी टू मैंने वाई का इंटरसेप्ट लिखा है, वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर एक्स की कंजम्पशन बिल्कुल ज़ीरो है और हम मैक्सिमम एक्स टू की कंजम्पशन कर रहे हैं, ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये स्लोप आ गया। अब स्लोप क्या है, स्लोप को निकालने का एक तरीक़ेकार और भी है, मैं वो भी करा देती हूँ आप लोगों को भी, ठीक है। डिफ्रेंसीशन का तरीक़ेकार कहलाता है, वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास आ गया माइनस पी वन ओवर पी टू, ठीक। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट भी तो निकालना है। अब एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, एक्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। मैं इस पूरी इक्वेशन पे क्या कर दूँगी, या तो इस इक्वेशन पे कर दूँ या ये वाली इक्वेशन पे कर दूँ, दोनों पे जवाब सेम आएगा, ठीक है। मैं सिंपल एज दैट एक्स टू को ज़ीरो कर रही हूँ, ठीक। तो मैं इसी के अंदर रख रही हूँ, यहाँ पे जगह है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम, एक्स टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। ज़ीरो एम पी टू माइनस पी वन पी टू ओवर एक्स वन। अब एक्स वन के लिए सॉल्व करना है, मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं इसको मैं क्या किया, ये जो पूरा माइनस के साइन के साथ का था ना, इसको एक ज़ीरो के दूसरी साइड ले गए, तो वो प्लस हो गया, ठीक है। अब ये एक्स वन यहाँ रहने दूंगी और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है दूसरी जगह जाएगा, तो ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो ये क्वेश्चन जो है ये पूरी रेसिप्रोकल हो जाएगी। एम ओवर पी टू जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, फिर पहले तो पी टू जो कि डिवाइड हो रहा था वो, फिर पी वन नीचे आ जाएगा, पी टू कैंसिल आउट, एम ओवर पी वन, ये आ गया आपके पास एक्स इंटरसेप्ट। मैंने यही लिखा है एम ओवर पी वन, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, स्लोप को मालूम करने का एक और तरीक़ेकार जो है वो कहलाता है डिफरेंशिएशन का तरीक़ेकार, है तो कैलकुलस का ही बार पार्ट, मगर ये ज़्यादा सिंपलेस्ट। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि स्लोप का बिल्कुल बेसिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप का बेसिक फार्मूला आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ, स्लोप बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है, राइज ओवर रन, यानी कि चेंज राइज पे कौन है, वाई एक्सिस, और रन पे राइज यानी कि चढ़ाई, और रन दौड़ लगाना, यानी कि वो लेफ्ट और राइट है, चढ़ना उतरना जो होगा वो किस पर होता है, वाई एक्सिस पे, और रनिंग की बारी कहाँ आएगी, लेफ्ट टू राइट यानी कि एक्स एक्सिस पे, तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ठीक है। अब वाई के ऊपर जो एक्सिस, वाई के ऊपर जो वेरिएबल होगा इसमें वो देख लें, यानी हमने क्या करना है, चेंज इन एक्स टू ओवर चेंज इन एक्स वन के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी होगी बजट लाइन डिफरेंशिएशन के तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे और कर दूँ, ठीक है। अब बजट लाइन की इक्वेशन है पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू, ठीक है, फिजिकल्स टू एम, एम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं अलॉन्ग अब सिंगल बजट लाइन, एम कांस्टेंट होता है, तो एम कांस्टेंट यानी कि अगर आज 100 है तो कल भी इसकी इनकम 100 रहेगी, ठीक है। जब मैं इसका जो है वो डिफरेंस निकालूंगी या इसका चेंज निकालूंगी तो चेंज ज़ीरो होगा, तो चेंज ऑफ एन कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब चेंज अप्लाई होगा कहाँ होगा, चेंज इन एक्स वन और चेंज इन एक्स टू, क्योंकि यही दो वेरिएबल्स हैं इस बजट लाइन में अलॉन्ग आ एम या अलॉन्ग बजट लाइन जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन एक्स वन, पी टू भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, चेंज इन एक्स टू, एम का चेंज टू ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगी, इसकी एक चीज़ को इस तरफ ले जाऊँगी,
कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं पी टू एक्स टू जो है इसको यहाँ रखी जाए, पी वन चेंज इन एक्स वन यहाँ पे, पी टू चेंज इन एक्स टू यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने क्या फॉर्म करना था, यहाँ पे भी हमने देखा था चेंज इन एक्स टू ओवर चेंज इन एक्स वन फॉर्म करना है, ठीक है। ये चेंज इन एक्स टू है, चेंज इन एक्स वन मैं इसके नीचे ले आऊँगी, और ये जो पी माइनस पी टू है ये पी वन के नीचे चला जाएगा। पी वन पी टू माइनस साइन जो है नीचे आएगी ऊपर आए या साथ आए बात हुई है। तो स्लोप हमने डिफ्रेंसिएशन के तरीके से यहाँ ड्राइव कर ली, ठीक। इवन स्लोप के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्लोप इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्लोप आपका फ्लो है इस चेंज इन एक्स और चेंज इन एक्स वन और चेंज इन एक्स टू से देखा जाए तो फोर के नीचे वन, मैं कह सकती हूँ कि मुझे माइनस का साइन भी है साथ में, ये चीज़ याद रखनी है कि माइनस नेगेटिवली स्लोप है। तो ये कहेगा कि हमने व्हेन वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स वन बाय वन यूनिट के वन है, वी हैव टू लेट गो या डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स टू बाय फोर यूनिट, ठीक है। राइटिंग के लिए सो सॉरी, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर हो जाए कि कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो माइनस जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, यानी वो बता रहा है कि अगर एक एक्स का एक्स वन का कंजम्पशन अगर हम एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो चार यूनिट से एक्स टू के कंजम्पशन को छोड़ना पड़ जाएगा। अगर यही पॉजिटिव होता तो एक्स वन के एक कंजम्पशन बढ़ाने से फोर के भी चार कंजम्पशन बढ़ रही होगी, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पहले के बढ़ने से दूसरे में भी इंक्रीज ही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आपको ये याद रहे, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज मेजर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूरा लिख लीजिएगा आप लोग प्लीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड वन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने कोई एक गुड की कंजम्पशन, इन दिस केस स्पेशली गुड वन की कंजम्पशन अगर हम को इंक्रीज करते हैं, यही देखा ना यहाँ पे कि हम जब हम गुड वन की कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें वाई को चार यूनिट से छोड़ना पड़ रहा है। तो एक गुड की कंजम्पशन एक्स्ट्रा करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हमें गुड टू की कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी, चार। तो ये बेसिकली कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। अब बजट लाइन चेंज कैसे करता है, चेंजेस आते हैं कैसे, क्या बजट लाइन की शिफ्टिंग्स के केसेस, ठीक है। तो बेसिकली तो तीन चीज़ें हैं जो इसकी वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं, तीनों केसेस में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। केस वन इज़ बेसिकली इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन, एंड थर्ड वन विल बी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टू, ठीक है। इसको मैं आपको, कोशिश मेरी होगी कि मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि आपको जो है मैथमेटिकली भी क्लियर हो जाए, अगर आप इसको वैसे समझ ना सकें तो आपको मैथमेटिकली करके आप लोग उसका हल निकाल, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी दूंगी इंशाल्लाह और समझाऊंगी, ठीक है। एक एक करके चलेंगे हम, ठीक है। ये हो गया एक्स वन गुड एक्स टू, ये वो बजट लाइन,
इसके इंटरसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, m ओवर p1, m ओवर p2। बस परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, वो आपको जैसे जैसे करेंगे इंशाल्लाह सब हो जाता है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या मालूम किया था हमने, p1 ओवर p2, p2 प्राइस ऑफ वन और प्राइस ऑफ ये मालूम किया था यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से। हाँ, माइनस पी वन ओवर पी टू देती हूँ, माइनस पी वन ओवर पी टू माइनस, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पहले तो इनकम का चेंज देख लेते हैं, ठीक है। तो केस वन इज इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो स्लोप के अंदर कहीं पे इनकम का है, स्लोप हमारे पास क्या है, माइनस पी वन ओवर पी टू। तो यहाँ पे कहीं पे भी m है नहीं, जब m नहीं है तो इसका मतलब स्लोप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट पे चलते हैं, y इंटरसेप्ट पे m है p2, ठीक है। तो m बढ़ेगा यानी कि न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पूरी की पूरी रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। अब ये कैसे हो जाता है, ठीक है। मैं ज़ूम करती हूँ कि यहाँ पे प्राइस ऑफ टू जो थी वो फाइव चल रही थी और इनकम पहले सौ थी, ठीक है, एम फाइव चल रही थी ना, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ज़ूम करके निकाल रही हूँ तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। पी टू इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, P1 is equals to 10 और जो इनिशियल इनकम है वो 100 थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम राइज हो गई 150 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका जवाब जो आएगा वो फिर आप 150 ओवर 5 करके जवाब निकाल लीजिएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से x इंटरसेप्ट निकालेंगे, m ओवर p1, ठीक है। पहला इंटरसेप्ट क्या होगा, p वन हम लोग लेके चल रहे हैं 10, तो ये आ गया 10, और जब भी हो जाएगा 150 ओवर 10 तो 15, तो यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे भी इंक्रीज आया, ठीक। तो जब दोनों के अंदर यानी कि दोनों इंटरसेप्ट्स के अंदर बिल्कुल सेम रेट का चेंज आया है, 50 का चेंज आया है, बिल्कुल सेम चेंज आया, तो क्या होता है जो बजट लाइन होती है बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मैंने गन ज़्यादा मचा दिया तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे करके शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ तक पैरेलल, फिर मैं थोड़ा सा और आगे कर रही हूँ ताकि ये किस हद तक भी पैरेलल आगे शिफ्ट हो सके। यानी कि इनकम का इंक्रीज जो होगा वो बेसिकली आपकी बजट लाइन को पैरेलल शिफ्ट करता है। स्लोप इनका वही रहेगा, क्यों, क्योंकि प्राइस रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। स्लोप बिल्कुल सेम रहेगा, ये स्लोप की निशानी है कि इनका स्लोप सेम है, सिर्फ उसे पैरेलली शिफ्ट। और इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, नए इनकम का निशान लगा दें, फॉर एग्जांपल m1 p1 और यहाँ पे m1 p2, ठीक। ये पहला केस कंप्लीट हो गया, अब आते हैं अगली बारी पर। गुड, x1 x2, अब इन प्राइस ऑफ इन जो गुड वन है वो बढ़ गई। पहले तो मैं यहाँ पे आपके ड्रॉ कर लूँ एक बेसिक, ठीक है, बेसिक एक चीज मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट देना मैं आपको भूल गई, इसके कॉन्सेप्ट यानी कि आपने कोई रियल लाइफ से इसको रिलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे। ये अब रियल लाइफ से रिलेट कुछ ऐसे होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है आप x1 और x2 दोनों गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा दोगे, ठीक है, हो सकता है ना। x1 और x2 दोनों आप अब ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, तो आपने पैरेलल शिफ्ट किया आगे, तो अब आप कोई भी बंडल यूज़ कर दोगे, ठीक है। अब ये केस टू जिसके अंदर मैंने p1 बढ़ानी है, यानी कि पहले p1 कितनी थी, अब p1 डैश यानी कि जो नई प्राइस आई है वो है 50, ठीक है।
क्या स्लोप के अंदर फर्क पड़ेगा? ये बढ़ गया ना, न्यूमरेटर बढ़ गया, मैंने अभी साबित किया है ऊपर नंबर से कि जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो पूरा का पूरा रेशियो बढ़ जाता है, यानी कि स्लोप जो है वो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। यही बनता है ना, ये चीज़ मैं अभी अभी ऊपर साबित की है आपको इंटरसेप्ट के थ्रू। ठीक, चलें बेशक आप इसको यूं करके कर लीजिएगा कि पहले वाला जो स्लोप था वो था 10/5। ठीक है, ये पहले वाला था और नया क्या था, ये 2 और ये 3, तो स्लोप बढ़ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ वाला जो इंटरसेप्ट है इसके ऊपर है प्राइस ऑफ फ्रूट, यानी कि यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो जब ये एक्स इंटरसेप्ट पे फर्क पड़ेगा कि एम ओवर पी वन जो है ये बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर के बढ़ने से क्या होता है, पूरा का पूरा रेशियो कम हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, इनकम हम फिर ले रहे हैं 100 चल रही है। ठीक है, ठीक है, इनकम 100 है, पहले प्राइस कितनी थी 10, तो उसका जवाब था 10, इंटरसेप्ट ये वाला 10 चल रहा था, अब 100 है तो ये हो गया 15, तो इंटरसेप्ट का क्या हो जाएगा, लो साथ में करके देख लें। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट कम हो गया, डिनोमिनेटर के बढ़ने से इंटरसेप्ट कम हो गया। अब यानी कि इंटरसेप्ट फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया, ये इंटरसेप्ट अपनी जगह से नहीं हिला है, ये याद रखना है, इंटरसेप्ट अपनी जगह से, इंटरसेप्ट जो बिल्कुल अपनी जगह सेम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। ये आ गया आपका न्यू बजट लाइन, ठीक है, P1-। अब इसको कॉन्सेप्टली क्लियर भी करना ज़रूरी है, वो भी कर देते हैं। तो ये अगर मैं स्लोप मेजर करने को बोलूँ तो, ठीक है, ये मैंने इसको क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि स्लोप की मेजरमेंट हो सके। तो स्लोप जो है डेफिनेटली बढ़ गया हो, बेशक आप लोगों का दिल करे तो डी रख के यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिएगा, इस शिफ्टिंग के बाद इस डी को मेजरमेंट कर लीजिएगा, या चाहें तो इसको थोड़ा और मज़ीद अंदर यहाँ करके शिफ्ट करके देख लीजिएगा। प्राइस ऑफ वन के बढ़ने से आपका जो बजट लाइन है वो स्टीपर हो जाता है, या पहले से ज़्यादा उसका एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, एंगल का बड़ा हो जाना यानी कि स्टीपर हो जाना, उम्मीद करती हूँ स्टीपर ऑफ लैटर से वाकफियत होगी आपको, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर एक छोटे से ग्राफ से कि एक्स और वाई पर कुछ भी हो। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो उसका यहाँ पे एंगल बड़ा है तो वो है स्टीपर, और अगर थोड़ा सा भी लेटा हुआ है इसके कमरे यानी कि उसका एंगल छोटा है तो वो हो गया फ्लैटर। ठीक है, अगर अपवर्ड स्लोपिंग हुआ तो ये हो गया स्टीपर यानी कि इसका एंगल ज़्यादा है, और ये हो गया फ्लैटर क्योंकि उसका एंगल जो है ये छोटा है। ठीक है, अब अच्छा इसका कॉन्सेप्ट, प्राइस ऑफ वन बढ़ने से, गुड वन की प्राइस बढ़ने से वो महंगा हो जाएगा, जाहिर सी बात है हम लोग उसको उतना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जितना पहले कर रहे थे प्राइस ऑफ वन के बढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्राइस ऑफ वन के बढ़ने से गुड एक्स वन महंगी होगी, तो ये जो आपका बजट लाइन शिफ्ट हुआ ये इसलिए शो कर रहा था कि प्राइस ऑफ वन जो है वो महंगी हो गई। ठीक है, अब तीसरा द लास्ट केस, अब इसमें क्या है, एक्स टू एक्स वन इनिशियल बजट लाइन है। ठीक है, एम ओवर पी टू, इसका एम ओवर पी वन यहाँ पे, ठीक है, और स्लोप क्या था वो हमें पहले मैंने आपको मेंशन किया है, माइनस पी वन ओवर पी टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि प्राइस ऑफ टू जो है वो बढ़ गई, पहले यानी वो इनिशियल जो थी वो 5 थी, या फॉर एग्जांपल वो 10, इनकम
अपनी जगह 100 ही लेके चलेंगे, इनकम का चेंज हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चेंज की वजह से बजट लाइन पे क्या फैक्टर है, तो स्लोप पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप पे हम देख नज़र आ रहा है P2 है, P2 कहाँ कहाँ है हमने वहाँ पे देख लिया, यहाँ पे P2 नहीं होगा, M/P1 है, P2 नहीं है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जहाँ जहाँ P2 मेंशन है वहाँ वहाँ इफेक्ट आए, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इफेक्ट एक तो आएगा स्लोप पे, दूसरा कहाँ आएगा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पे पहले देख लेते हैं M/P2। P2 बढ़ गया, पहले ही साबित कर चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर के बढ़ने से पूरा का पूरा रेशियो कम हो जाता है, यानी कि ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब स्लोप को देख लें, -P1/P2, P2 के बढ़ने से पूरा रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि स्लोप जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो पहले ये स्टीपर बना हुआ है इसका स्लोप कम होने का मतलब ये है कि ये फ्लैटर हो जाएगा, ये मतलब बनेगा ना इसका, गलत तो नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया -P1/P2 और ये इंटरसेप्ट क्या हो गया M/P2। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं न्यूमरेटर, यानी कि किसी भी एक प्राइस को आपने इक्वल टू वन कर कपड़े निकलाया। ठीक है, यानी कि किसी भी एक प्राइस को जो है वो सेट कर दे वन के इक्वल, तो फिर क्या होगा, NUMERAR, यानी कि बजट लाइन जो इक्वेशन थी हमारे पास बेसिक वाली उसको देख लेते हैं। X1 + price of 2 X2 = M, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को P1 से तो क्या हो जाएगा, यानी कि मैं P1 को 1 सेट कर देने लगी, सही है, P1 X1 हो गया, P2/P1 X2 = M ओवर P1। ठीक है, तो P1 और P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 क्योंकि सेम है, X1 की जो प्राइस यानी कि P1 थी वो 1 सेट हो गए, P2/P1 X2 M/P1। ठीक है, अब अगर मैं इस बजट लाइन को सपोज करते हैं P2 से डिवाइड करूँ, तो P1/P2 X1 + P2/P2 X2 = M/P2। P2 पूरी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, X1 + X2 = M/2, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूमरेटर किसका बन गया X2 का, क्योंकि X2 की प्राइस जो है वो हमने 1 बना दी। अब अगर पूरी इक्वेशन को M से डिवाइड कर दें तो डिवाइड बाय इनकम, तो क्या होगा, P1 X1/M + P2 X2 = M/M, तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा P1 M X1 P2 M X2 = 1। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चल रहे हैं लास्ट बड़ा वाला टॉपिक जो कि है टैक्सेस सब्सिडी एंड रेशनिंग होता है, मगर उर्दू में अगर बोला जाए तो राशनिंग। ठीक है, तो टैक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली प्राइसेस का इंक्रीज़ हो जाना, किसी भी प्राइस के ऊपर टैक्स लग जाना, यानी कि हमारी प्राइसेस का इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, तो टैक्सेस पहले बात कर लेते हैं, टैक्सेस होती क्या है,
टैक्सेस तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्वांटिटी टैक्स, यानी कि हर क्वांटिटी पे, यानी एक सेट ऑफ क्वांटिटी पे टैक्स। चलिए अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको कोई दे सकूँ तो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 किलो आटा लिया तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर यही आपने 5 किलो आटा लिया है, सपोज करके दे बता रही मैं आपको, ये इन एक्चुअल ऐसा नहीं, ठीक है, तो 5 किलो आटा लिया तो उसके ऊपर जो है 5 रुपये का टैक्स है, ठीक है। या अगर आपने 6 किलो लिया तो कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। अगर यहीं 10 लिया तो वो 10 रुपये का टैक्स लगता है उसको, ठीक है। क्वांटिटी टैक्स यानी कि एक क्वांटिटी के बाद उस पर छोटा सा टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, वैल्यू टैक्स। बेसिकली ये वो टैक्स होता है जो कि प्राइस पे लग जाता है, ठीक है। यानी कि वो हम देखते थे ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्राइस, कोई भी प्राइस हो किसी भी गुड की, उसके ऊपर टैक्स, ठीक है। तीसरा होता है एड वैलोर, एड वैलोर। ये क्या होता है कि परसेंटेज फॉर्म के ऊपर जो है प्राइस के ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि प्राइस, जितनी भी प्राइस चल रही होगी ना, मल्टीप्लाइड बाय टी का परसेंटेज ऐड हो जाएगा, टी की परसेंटेज इसके ऊपर। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करके मैथमेटिकल लिख दूँ तो ये हो जाएगा पी प्लस पी इंटू टी परसेंटेज। यानी कि प्राइस के साथ जो उसकी परसेंटेज जो भी सेट की गई है, 10, 15, 20%, वो निकालेंगे, फिर वो प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगी और वो फिर अप्लाई की जाएगी, ठीक है। सब्सिडी से तो हम सब वाकिफ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाए ये तो मोस्ट फेवरेट थिंग होती है ना। सब्सिडी में एक कंज्यूमर के माइंड में क्या आता है कि प्राइसेस कम हो गए, ठीक है। सब्सिडी के अंदर यही होता है ना कि प्राइसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर को तो यही प्राइस मिल रही होती जो वो चार्ज कर रहा होता है, मगर जो हम कितनी दे रहे होते हैं ये, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रोटी का आया जो आया था कि 12 रुपये तक की रोटी हो गई थी, अगर गवर्नमेंट ने हमें 10 रुपीज़ की वापस कर दी, यानी कि हमें 2 रुपये की सब्सिडी दे दी, देखा गया था ना ये चीज़, तो क्या हुआ था कि हम तो 10 रुपये पे कर रहे थे और मगर प्रोड्यूसर को 12 रुपये ही मिल रहे हैं, तो ये जो 2 रुपये का गैप है ना, ये गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और ये एक रोटी की बात हो रही है, रोटियाँ बहुत खाई जाती हैं, ठीक है। अब टैक्सेस का समझा दूँ एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सेस में क्या होता है, प्रोड्यूसर की प्राइस 10 होती है, मगर हम जो कंज्यूमर्स होते हैं हम 15 दे रहे होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर को ये मिल रहा है, ये प्रोड्यूसर को ये वाली प्राइस है मिल रही है, यानी उसको जितना रेवेन्यू मिल रहा है वो इस प्राइस के हिसाब से मिल रहा है। हम कंज्यूमर जो हैं, हम कंज्यूमर ये पे कर रहे हैं, तो ये जो गैप आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू ले लेती है। यानी कि जो 5 रुपये हम कंज्यूमर्स पे कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट की जेब में जाता है, ठीक है। अब लास्ट रह गया रेशनिंग, अगर मैं उसको उर्दू में बोलूँ तो राशनिंग, शायद राशनिंग से थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो राशनिंग क्या है, यानी कि किसी भी गुड का एक कॉन्स्टेंट पार्ट के बाद उस गुड की सप्लाई नहीं है, या वो गुड आपको अलाउ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ, X1 और X2 दोनों से समझा दूँगी मैं आप लोगों को, आपको, ठीक है। आप प्लीज़ ग्राफ पेंसिल से बनाइएगा, मेरे इस पेज के ऊपर जो पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ ग्राफ नज़र नहीं आता, मैं इस वजह से इससे बना रही हूँ, ठीक है। X1, X2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शो करने लगी हूँ X1 का राशन रेशनिंग और यहाँ पर X2 का राशन, ठीक है। X1 की राशनिंग यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ये लिमिट के बाद जो है X1 की सब आपको कंजम्पशन के लिए नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल दिस मंथ ऑफ X1, यानी कि ये X1 कांस्टेंट है, इसके आगे आपको X1 की कंजम्पशन अलाउ नहीं है, इससे पहले ही आपने अपना X1 का जो है वो पूरा करना है। तो ये हो गया, तो ये बन जाएगा वो M/P2, ये X1 का रुकावट लग गई, ठीक है।
यानी कि आप बजर लाइन क्या हो गई, ये और ये, यानी कि अगर आप वो एक्स वन को पूरा यूज़ करना चाहें, इतना यूज़ कर लें, तो वो साथ में एक्स टू की इतनी कंजम्पशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकम उनकी सेम है। ठीक है, अगर वो एक्स वन इतना यूज़ कर कंज्यूम करें तो एक्स टू इतनी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5 था, ये 10 था, एक्स वन यहाँ पर 10 है, इनकम उनकी सेम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक्स टू की रेशनिंग दिखा दूँ तो एक रुकावट लग रही है, ये एक्स टू की रुकावट है। ठीक है, अगर ये है वो इनकम या वो बजट लाइन जो कि कंज्यूमर फेस कर रहा है। ठीक है, एम ओवर पी वन जो कि एक्स का इंटरसेप्ट था, और ये एक्स टू है जो कि कॉन्स्टेंट हो गया। इनकम सेम है, तो अगर वो एक्स टू का यहाँ कंजम्पशन करे कि यहाँ कंजम्पशन करे, यहाँ पे उसको एक्स वन कम मिलेगा या इस एज कम्पेयर टू एक्स टू, ए बी पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी काफ़ी हद तक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आती है या एक केस आता है जिसमें कहते हैं कि किसी एक पॉइंट, यानी कि वैसे तो आप यानी क्वांटिटी टैक्स होता है ना, उसको देख लेते हैं। चलो ठीक है, क्वांटिटी टैक्स देख लेते हैं। ग्राफिकली क्वांटिटी टैक्स कैसे होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वन की एक लेवल के बाहर जो है उसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले यहाँ एक्स वन की शो कर देती हूँ, यहाँ पे एक्स टू की शो कर देती हूँ। किताब में तो एक ही गिवन है, आपको दोनों का अंदाज़ा हो जाए बेहतर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक्स वन की वो क्वांटिटी जिसके बाद टैक्स लग जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक्स टू की वो क्वांटिटी जिसके बाद टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये एक्स टू, तो यहाँ तक तो आपका ठीक है। अब टैक्स की बात करें तो यहाँ पर स्लोप पे पहले फ़र्क मालूम कर लें, बेहतर रहेगा हमारे लिए एहतियात। ठीक, तो पहले जो पी वन ओवर पी टू था, अब वो पी वन प्लस टी ओवर पी टू हो गया, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ गया तो पूरा रेशियो बढ़ जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये थोड़ा फ्लैटर बनाऊँगी, फिर अगला स्टीपर बनेगा। ये था जो पहले बजट लाइन चल रहा था, और एक्स वन टू के बाद इसका स्लोप क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका स्लोप क्या था, पी वन ओवर पी टू माइनस के साइन, और यहाँ पे क्या हो गया, पी वन प्लस टी ओवर पी टू। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे पहले चेक कर लूँ तो, यानी कि स्लोप में क्या हुआ है, पी वन ओवर पी टू चल रहा था, नीचे वाले पे टैक्स लग गया, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ गया तो पूरा का पूरा रेशियो कम हो जाएगा। यही देखेंगे ना, यानी कि यहाँ पे तो ये स्टीपर था, ठीक है, ये स्टीपर बनेगा, ठीक है, तो इससे पहले पहले तो स्टीपर बनेगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लैटर हो जाएगा। मैं एक थोड़ा सा निशान लगा लेती हूँ, ठीक है, देखिए इसके बाद थोड़ा सा एक्सिस को बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसने फ्लैटर हो जाना है, क्योंकि ये स्लोप कम हो जाएगा, और इससे पहले क्या होगा, ठीक है, इससे पहले क्या होगा, ये स्टीपर है। उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अब आगे चल रहा है, आगे का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सब्सिडी दे दी जाए, पहले तो मैं दे रही हूँ पी वन पे, फिर पी टू पे। ठीक है, सब्सिडी देने का मतलब ये है कि यानी कि एक हद तक जो है, यानी पहले ये तो था इनिशियल का बजट लाइन, ठीक है, ये एक्स वन ये एक्स टू, ठीक है, अगर पी वन पर सब्सिडी मिल गई तो क्या होगा, पी वन प्लस सब्सिडी,
माइनस सब्जेक्टिव होगा सॉरी। तो ऊपर वाला एरिया जो है कम हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो है थोड़ा रेशियो कम हो जाएगा, यानी फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि एक हद तक, यानी कि एक्स वन के एक हद तक जो है सब्सिडी दी गई है। इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होगा, इस हद तक जो है, ये कुछ हद तक जो है, ये यहाँ तक जो है इसका स्लोप वो कम हो जाएगा छोटा स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ तक इसका स्लोप जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी फ्लैटर हो जाएगा। इस सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप की x1 यूनिट, उसके बाद क्या होगा, सेम प्राइसेस आ जाएंगी जो इसकी थी, तो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यही अगर x2 पे हो जाए तो। ठीक है, x2 की इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी लिमिट तक जो है, यहाँ पे मैंने इसको ट्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एरिया मार्क करना है। ठीक, तो अगर एक्स पी टू पर जो है आपको सब्सिडी मिले, पी वन ओवर पी टू माइनस एस, यानी कि डिनोमिनेटर कम हो गया, पूरा का पूरा रेशियो बढ़ जाएगा। मैथमेटिकल आप लोग खुद अब ट्राई कर लीजिए, मैंने पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है कि उसको कैसे लेके जाना। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ जो है इसका स्लोप बड़ा होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, आप थोड़ा सा टेढ़ा बना लीजिए। फिर आगे आगे प्राइसेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से मैंने इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब फिर एक आता है कि फॉर एग्जांपल एक गुड आपको फ्री मिल रहा हो, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। ठीक, ये रही बजट लाइन। फॉर एग्जांपल आपको इतने एक्स वन के यूनिट पहले फ्री मिल रहे हैं, उसके बाद अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप खरीद लें, ये सीधे। ठीक, यहाँ पे मैंने निशान लगाया। ठीक है, यानी कि ये तो आपको फ्री मिल रहा है, इसके बाद अगर ख़रीदारी करनी तो कर लें, तो क्या होगा, ये तो फ्री हो गया, कॉन्स्टेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये स्टीपर या फ्लैटर नहीं, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आगे शिफ्ट। ठीक है, यही अगर एक्स टू का कोई यूनिट फ्री मिल रहा हो तो। ये तो आ गया आपकी इनिशियल की बजट लाइन। ठीक है, फिर अगर एक्स टू का ये यूनिट फ्री मिल रहा है तो निशान लगा लेना, यानी कि पैरेलल टू बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनेगी स्ट्रेट, यानी कि ये एक्स टू का यूनिट इतने जो है वो फ्री मिल रहे हैं, इसके बाद अगर इनको ख़रीदारी जितनी करनी हो कर लें। जाहिर सी बात है, माले मुफ्त दिले हुए रहम वाला हाल है हमारे इकोनॉमी का, मुफ्त है आए तो बुरा क्या, वो ज़रूर इसको अवेल करेंगे और बाकी की ख़रीदारी जो है वो पैरेलल बजट लाइन को आगे शिफ्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ सर आप लोगों को क्लियर हो गया।